सिविल अस्पताल पठानकोट में एक्सरे मशीन 10 दिन से लगातार खराब चल रही है, जिससे इलाज करवाने आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक्सरे ना होने की वजह से अपना एक एक्सरे करवाने आए मरीजों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहां पर 10 दिनों से मशीन खराब होने की वजह से उनको बाहर से एक्सरे करवाना पड़ रहा है। जब इस संबंधी केआरटी न्यूज नेटवर्क के संवाददाता लकी सरोज ने एसएमओ सतनाम सिंह गिल से बात की तो उन्होंने कहा कि एक्सरे मशीन के लिए सरकार को लिखा गया है, जल्द ही मशीन रिपेयर करवा दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रशासन को बार बार मीडिया के द्वारा ही इन सभी गतिविधियों के बारे में रूबरू करवाना पड़ता है। केआरटी न्यूज आग्रह करता है प्रशासन से कि जल्द से जल्द मरीजों को इन सब सुविधाओं का लाभ दिया जाए। पठानकोट से लखी सरोज की रिपोर्ट। ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕੀ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਸੂਤ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, मैं पठानकोट तो जोधराज जी बोलन दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि सिविल हॉस्पिटल से बड़ी मशीन एक्सरे वाली खराब है और जल्द तो जल्द ठीक होनी चाहिए है। पब्लिक नू बहुत ज़्यादा दिक्कत होन दी है ते तो अड्डे के अर्ज है, बेनती है कि ठीक होनी चाहिए है। मशीन खराब है, जल्दी ठीक होनी चाहिए, प्रॉब्लम आ रही है सारे हर एक। चलो हफ्ते 10 दिन तो खराब है ये। प्रशासन की कहना जल्दी जल्दी ठीक हो, लोगों की दिक्कत खत्म हो जाए। ठीक है। Thank you.